अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक शेख साइंस चैनल। वी आर अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट लेक्चर था हमारी पिछली वीडियो में कैनवा कोर्स का, कैनवा कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम एक नए कोर्स के साथ आए हैं, फिल्मोरा वंडर एक्स 10। एक्स वंडर एक्स का मतलब है वंडर एक्स 10, यानी कि रोमन गिनती में एक्स को 10 कहते हैं। तो ये फिल्मोरा का 10 वर्जन होगा। इस पर हम मुकम्मल एडिटिंग सीखेंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेना है फिर मोरा वंडर एक्स 10 का, तो उसके बाद ही हम इस पर एडिटिंग वगैरह सीख सकते हैं। और इसको प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बढ़ते हैं जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वीडियो का, वो है जी प्रोजेक्ट सेटिंग, फिल्मोरा प्रोजेक्ट सेटिंग। के अगर आपने कोई यूट्यूब की वीडियो बनानी है, उसको एडिट करना है, तो उसके लिए आपकी प्रोजेक्ट रेशो, प्रोजेक्ट रेजोल्यूशन और वगैरह वगैरह, क्या हम सही से उसको रख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटिंग पे आज की हमारी वीडियो, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, उसका भी एक अलहदा प्रोजेक्ट रेशो होगी, रेजोल्यूशन होगी। तो हम प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाके देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, साथ प्रैक्टिकल भी होता रहे। तो ये मैंने एक फाइल सिलेक्ट कर ली है, ये मैंने पहले से ही ना प्रोजेक्ट सेटिंग की हुई है। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या हमने मैच करनी है या फिर कोई और प्रोजेक्ट सेटिंग करनी है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट सेटिंग रखी है, मैं उसके हिसाब से इसको लेके चलूँगा। ये मैंने निकाल ली। अब इसको आप चाहते हैं जी कि मैं इसको एज अ शॉर्ट वीडियो यूज़ करूँ, तो सबसे पहले हम ये फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे। ये देखें, फ्रंट पर ही पहला ऑप्शन है फाइल, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये थर्ड लास्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट सेटिंग, ये इस पर आप आ गए। ये देखें, अभी इसकी जो है वो वाइड स्क्रीन है, यूट्यूब वीडियो की तरह और वाइड स्क्रीन है। तो अगर आप इंस्टाग्राम के लिए करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको ओके करें। ये देखें जी, इंस्टाग्राम साइज आ गया हमारे पास। मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें। तो अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, मोबाइल वीडियो की तरह यूज़ करना चाहते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट, ये एक ऑप्शन यहाँ फाइल से भी आता है, और ये आपके एक राइट साइड पे ऑप्शन आता है, ये एक डिस्प्ले सा बना हुआ मोनीटर सा, प्रू क्वालिटी एंड डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी आपकी रेशो आ जाती है प्रोजेक्ट सेटिंग की। ये देखें, हमने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया था और हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं इसको, तो ये हमने पोर्ट्रेट पे क्लिक किया। अब इसको प्ले करते हैं कि कैसा रिव्यू देते गया ये। तो ये देखें जी, शॉर्ट वीडियो बन गई है। तो ये आप इस तरह से प्रोजेक्ट रेशो बना सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जी, दोबारा हम फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके सामने प्रोजेक्ट सेटिंग थर्ड लास्ट। अब आपने रेजोल्यूशन क्या रखनी है जी, रेजोल्यूशन यहाँ पे 3 किस्म की और चौथी कस्टमाइज है, 720 और 2080, 1080 मल्टीप्लाई 1920 और थर्ड है 2160 मल्टीप्लाई 3840 और चौथी है कस्टमाइज। कस्टमाइज ये देखें, मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ, इसकी हाइट को। यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ 680। देखें, उसके हिसाब से आपकी हाइट आ गई है 1208 इसकी हाइट होगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। फ्रेम रेट ये देखें जी, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फ्रेम रेट नज़र आएंगे, 23.97, 24, 30, 50, 59, 60। देखें जी, अगर आपका लैपटॉप और पीसी एकदम बिल्कुल अच्छा है, बैटरी हेल्थ ठीक है, यानी कि हीटअप नहीं होता और यानी कि दूसरे मसाइल होते हैं, तो आप इसको 60 फ्रेम पे कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप मीडियम है
चल रहा है अच्छा, अच्छी तरह चल सकता है या फिर अच्छी तरह चल रहा है। तो आपको मेरा जो ज़ाती राय है ना, तो ये 25 फ्रेम रेट पे आप इसको रखें। ओके हो गया। तो अब देखें, मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से आप चलाएंगे तो ये एक प्रीव्यू देखें इसका यूट्यूब शॉर्ट। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट सेटिंग कर सकते हैं, जिस किस्म का भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है, यूट्यूब वीडियो बनानी, शॉर्ट बनाना है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, तो आप यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिल्मोरा काम इसी तरह आगे मज़ीद लेक्चर्स भी दूंगा मैं, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सीखते रहेंगे। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।